इतना मेहनत जितना हमारे बच्चा रात दिन मेहनत कर ला, बहुत हम रोई लगे ना कि हमारे बच्चा आगे छोटे पर से मेहनत करत हुआ, आज इनकर बाप ना होने से बहुत बुझा ला हमने के भले वो बहुत अच्छा शनि के नाम पर बहुत मरत रहना है कदम शनि आ रही हमारा बाकी आज बाप बिना हमारे लड़का टूअर बना बाकी बहुत बुझा ला कि हम बानी न भैया अपन बच्चन के देख के हमके सबू रह ला अभी चार गो लड़की बड़ छोट छोट भैया सब बाकी कुल नहीं पा बाहर बा बस यही हम पापले लोग से आप लोग से मिनती करते हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़ जा कि अपन भाई और बहन के अपन देखभाल करो। चलिए जैसे आगे। हम लोग इस तरह से बाप का साया खत्म हो गया लेकिन माँ ने संभाला है आज तो लोग कहते हैं कि अर्श से फर्श पे आना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन यही कहीं सच्चाई दिखाने के लिए इसी गाजीपुर के ऐसे ऐसे वीर हैं कि अपने आप को इतना अंदर झोंक देते हैं कि पता भी नहीं चलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। कहीं ना कहीं लगता है कि ऐसे लोग कहां छुपे होते हैं, ऐसा हो कैसे जाता है, इसको भी सोचना बड़ा मुश्किल कर देता है। मैं बात करने वाला हूं अपने पैतृक आवास और पैतृक जिले की, जिस जिले से मैं बिलोंग करता हूं, गाजीपुर उत्तर प्रदेश से। और मिल गए फिर से हमारे बीच शनि आर्या जी। शनि आर्या एक ऐसा नाम है जो यूट्यूब का बेताब बादशाह है, अगर गाजीपुर के लिए देखा जाए तो। बहुत लोग हैं लेकिन हमारे गाजीपुर में एक अलग पहचान, एक अलग छपी और एक अलग रुतबा है शनि आर्या जी का। आप इनको ऐसा मत देखिए कि देखने में शर्ट थोड़ा सा इधर दिख रहा है, दिखने में तो लफुआ जैसा दिख रहा है आपको लगता होगा, लेकिन इनके बारे में जब बताएंगे आपको तो और आश्चर्यचकित होगा। यूट्यूब आज ऐसा चैनल हो गया है, ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है कि जीरो से हीरो बनाने में किसी को कसर नहीं छोड़ता है, अगर चाहे तो एक पल में। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस में शनि जी आपका। जितने मुझे जोश एक्सप्रेस से देख रहे हैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद, और ये भैया का प्यार है, बड़प्पन है जो इतना बड़ा चक्कर हमारे बारे में बता रहे हैं। नहीं, सच्चाई है, मैं भी कभी नहीं सोचा था कि ऐसे लोगों से हमारी मुलाकात होगी और ऐसे लोग हमारे जिले में है जो कि मिलियन मिलियन लोग कहते हैं, 1 मिलियन हो गया बड़ा अकड़ने लगते हैं, 1 लाख हो गया तो बड़ा अकड़ने लगते हैं, लेकिन भैया के 2 मिलियन नियर अबाउट उससे भी ज़्यादा होने वाले हैं। और एक ही चैनल नहीं, कई चैनल चलते हैं, आप उधर देख रहे हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, अगर गवाही लेना है तो ये आप देख सकते हैं। लोग कहते हैं ना कि अगर आपको बहुत कुछ पाना है तो कुछ करके दिखाओ, सम्मान पाके दिखाओ ना, ये इनका सम्मान है। ये सबको नहीं मिलता है, हमको खुद नहीं मिला है, ठीक है हमारे 2 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं लेकिन हमको खुद नहीं मिला है, बहुत मतलब ये होता है। इस चीज़ के लिए इंसान को बहुत मेहनत करना पड़ता है और मेरा एक ड्रीम था इसको पाना, गोल्डन प्ले बटन, सिल्वर प्ले बटन, आज मेरे पास दो है। मैं कुछ कमाया चाहे नहीं कमाऊँ, लोगों का प्यार बहुत कमाया हूँ तो, और प्यार ही बहुत कुछ है, आज प्यार की वजह से इस जगह पे मैं हूँ। देख लीजिए, शनि भैया ने गोल्डन बटन ला लिया और अपने नाम सिल्वर बटन ला लिया। जिस तरह से देखा जाए शनि भैया, कभी कभी लोग हताश हो जाते हैं और आप एकदम गरीब घर से मतलब निकले, लोग कहते हैं कि गरीबी जीव की नाश होती है, जहां गरीबी आ जाता है लोग कुछ कर नहीं पाते, लेकिन वहीं आपने दहाड़ा दिखाया कि बेटा मैं वो करके दिखाऊंगा कि कभी आप सपने में भी नहीं सोच सकते हो। देखिए, लोग कहते हैं कि ये जरूरी थोड़ी है कि गरीब है तो देखिए, एक होता है ना कि पेरेंट्स, मैं अपने मम्मी से पापा से सीखा हूँ कि कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता है, और कोई इंसान छोटा नहीं होता ना कोई इंसान बड़ा होता है। आज के इस युग में कब आप स्टार बन जाए, कब मैं बन जाऊँ, किसी को मालूम नहीं। आपसे बड़ा कोई स्टार है? अरे ऐसे नहीं बात नहीं। देखिए, ये तो आप लोग का प्यार है, लोगों का प्यार है। आईने के सामने सभी लोग अपने आप को हीरो दिखते हैं, लेकिन हकीकत का सामना जब होता है तब समझ में आता है। सही बात है ना, तो शनि भैया का हम सामना नहीं कर पाएंगे और बहुत लोग नहीं कर पाएंगे जिस तरह से। अच्छा शनि भैया, कौन कौन से चैनल है और किस किस चैनल पे कितने कितने सब्सक्राइबर है? जैसे मैं एक चैनल पे डांस सिखाता हूँ, उस पर 18,60,000 सब्सक्राइब है, और एक चैनल पे मेरा इस टाइम
व्यूज की बात करूं तो 2 करोड़ पार एवर व्यूज है, उस पे 5 लाख सब्सक्राइब है। 2 करोड़ एवर व्यूज जाते हैं और हर वीडियो पे लाख व्यूज तो आराम से आ जाते हैं। बस ये जितना भी सपोर्ट मिलता है लोगों का सपोर्ट है और मुझे चाहते हैं लोग। एक पुस्तपा में डायलॉग है ना कि मैं इस हालत में निकल जाऊं तो लोग मुझे पहचानेंगे, तो मुझे कपड़ा का फर्क नहीं पड़ता है, लोग मेरे चेहरे से मेरे टैलेंट से पहचानते हैं। मैं खूब बढ़िया अच्छा कपड़ा पहन लूं और मेरे अंदर टैलेंट नहीं है तो लोग मुझे पूछेंगे नहीं पूछेंगे। और मैं किसी भी हालत में रहूं अगर मेरे अंदर टैलेंट है तो लोगों को अपने बारे में बताना नहीं पड़ेंगे, लोग देख कर जान जाए कि हाँ इसके अंदर कुछ दम है। चलिए अब इनकी और कहानी मैं इनके माता जी से जानना चाहता हूँ, क्योंकि क्या होता है हर एक माँ बाप का सपना होता है कि मेरा अगर लड़का कुछ कर रहा है, लड़के कुछ से कुछ लोग जानते हैं तो उनके दिल से क्या है उनसे भी मैं जानने का कोई। लेकिन एक लाख सवाल आपसे करना चाहूँगा सनी भैया, जैसे क्या होता है कि बच्चे अक्सर चाहते हैं कि मैं भी ऐसा करना लगूं, मैं वो करने लगूं, लेकिन उसमें हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। निराश होने की क्या बात है कि आजकल के बच्चे चाहते हैं कि मैं 10 वीडियो 5 वीडियो डालकर वायरल हो जाऊं, तो ऐसे कभी नहीं होगा। आपको कंटिन्यू लगना पड़े, चाहे वो पढ़ाई की फील्ड हो, चाहे डांसिंग हो, स्पोर्टिंग हो, कोई ऐसा काम हो। अब मान लीजिए मैं 2 महीना डांस किया हूं, 2 महीना डांस करने से मैं डांसर बन जाऊंगा? नहीं ना। आजकल के बच्चे क्या होगा कि क्लास में जाएंगे, 2 महीना डांस सीखेंगे, अपने नाम के आगे डांसर लगा दे, भले डांस आया चाहे ना आए। और हम लोग कम से कम, मुझे 8 से 9 साल हो गया डांस इस फील्ड में और बहुत मेहनत है। लोगों का सुने ना कि दूर से जंगल भर, जंगल को देखते तो बहुत हरा भरा लगता है, जब जंगल में पैर डालेंगे तब जंगल की सच्चाई पता चलती है ना। तो वैसे यूट्यूब है, दूर से देखने में लगता है यार कि ये बहुत ही फेमस हो गया है, बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है, बट लोग उसके पीछे का मेहनत नहीं देखे हैं। मान लीजिए मैं आज आपसे मिल रहा हूँ, मैं आज से 2 साल से पहले जानता हूँ ना, 2 साल पहले आप कितने सब्सक्राइब थे? 500, आज कितना है? 2 लाख, है ना। तो पहले का मेहनत कोई देखा है? अगर आप बीच में वायरल होते तब लोग जानते हैं कि यार ये वायरल हो गया, बट इसके पीछे जो मेहनत होता है, जो करता है उससे पूछिए। बट मेहनत करना पड़ेगा आपको बहुत ज़्यादा। सनी भैया जिस तरह से है, मेरा सच्चाई था कि 400 सब्सक्राइबर थे, 500 सब्सक्राइबर थे तब सनी भैया हमसे मिले थे और बड़ा स्नेह मिला सनी भैया से। और इन लोग से ही देख के मैं कभी सोचा नहीं था कि मेरे ही जिले में ऐसे ऐसे मतलब वीर बैठे हुए हैं और मैं समझ नहीं पाया, तो अच्छा भी लगा। आज हमारे बीच में उनकी माता जी प्रणाम मैं करता हूँ और स्वागत भी करता हूँ आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस में। सनी भैया जिस तरह से हैं, बहुत काफ़ी फेमस है, बहुत काफ़ी वायरल हो चुके हैं, तो आपको कैसा लगता है? हमको तो भैया बहुत अच्छा लगला। गांव के लोग नहीं कहते हैं कि लड़का तो नचनिया बन गया, लड़का तो इस तरह से लोग मतलब, लेकिन नचनिया नहीं है, एक आने वाले और पीढ़ी का और इस समय की जो पीढ़ी कलयुगी चल रही है। गांव वाला कहे ना भैया, गांव वाला कहे ना कि इनका लड़का नचनिया बा, सही बात है। गांव का आदमी कभी ना सोचेंगे सक्सेस हो जाए। अच्छा, देखिए गाँव की माता जी भोजपुरी बोल रही है। अच्छी अच्छा ये ना लगे माता जी की क्या कहला की कबो कबो होके के चाही की जैसे की गाँव वाले तो बहुत कुछ कहना, ऐसे की लोग कहना की चार समाज का कही का कही, लेकिन इहो होला कि वो कुछ करी ना, अगर आपके सामने चूल्हा में आग लगा के तो आप लगाए, समाज ना लगाए, कब लगा सकेला? वो बस क्लेम लगा सकेला, पैर खींच सकेला। लेकिन आज जो सनी भैया शोहरत हासिल कर चुकल हुआ, पूरा हम तो कहते पूरा जिला के, हम कहते हम चैलेंज करते कि पूरा जिला में अभी इतना हासिल कोई ना कहले बता कोई ना ना भैया, बाकी हमके बहुत अब गर्व होला। गर्व होता है रास्ता में चल ना तो सब कोई लगे सनी तुम्हारे लड़का है क्या? अच्छा, तो कहे ना कि ना मैं जेठान का लड़का हूँ। ऐसा क्यों करती है कहे ना कि ना ये मैं जेठान का, इसे कहे ना ऐसे ही कह देना ना कहीं ना कि मतलब ये बताते हैं मम्मी हमसे कि अगर हमको घर में जाएगा तो लोग पूछे ना कि तो अरे लड़का हुआ, तो मम्मी खूब खुश होती है, मतलब इनके दिल खुश हो जाता है कि हमारा लड़का कुछ अच्छा कर रहा है। नहीं नहीं चेहरा तो उसे मिलेगा, तो हम कहें ना कि हाँ तो खानदान है। तो इस तरह से सनी भैया की मम्मी है, सनी भैया समाज के लिए पहले तो एक प्रेरणा है। देखिए आपके लिए ही नहीं, आपके गर्व तो है ही है, लेकिन समाज के लिए भी एक गर्व की बात है और इस जिले की गर्व की बात है कि ऐसा व्यक्ति एक गरीब घर से निकल के, जहाँ की लोग कहते हैं कि वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और गांव से देश विदेश। हकीकत बात है कि गांव से निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। देखिए हमारे गाँव में क्या है ना कि लोग गलत का साथ देते हैं, अच्छे का साथ नहीं। मान लीजिए 10 लोग दारू पी रहे हैं तो वहाँ पर 1 लोग नहीं पीने वाला रहेगा ना, तो वो भी चाहेगा कि वो भी दारू पिए। तो इसीलिए पहली बात तो मम्मी मुझे इतना छूट दी है
कि वो कहती है कि तुम्हारा जो मन करे वो करो, बट फालतू काम मत करना। नहीं अच्छी है। और माँ बाप का देखिए संस्कार सत्कार घर से मिलता है, और सबसे पहले माँ बाप ही होते हैं कि जो संस्कार देते हैं कि बेटा ऐसा करना है, बेटा वैसा। बाकी भी हमारे लड़का बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ना हम तो कभी सिखौले नहीं कि तू डांस करो, और न कहीं सिखाओ के भेजे नाच भाग डांस मत कर, कहीं कि डांस बताए ना कभी ऐसा नहीं कहीं मम्मी के बात बता रहे हैं सब। हां सब कहे कि हां काहे ना माना घर का आदमी सबको कहे बनाना मत ना चनिया होई। हां इसे घर बन पार्टी है सबको थोड़े ना हुई बाकी आज तो यही से इनके बहुत ज्यादा इज्जत बा। बहुत लोग आवे ना इनका इंटरव्यू करे खातिर, बहुत दूर दूर का लोग जाने ना, देश विदेश जाने ला। अब कब सोचले रहने कि विदेश और विदेश से पैसा भी आवेला? अच्छा विदेश जेता तब ना पैसा आए, लेकिन घर बैठले विदेश से पैसा। सही बात। हम पब्लिक लोग से सबसे हम हाथ जोड़ के कहते नहीं कि हम बच्चा के सबको आगे बढ़ा। अब ये और आगे बढ़ा, अब से आगे। चलिए आज सनी की माता जी थी हमारे बीच में थी, और क्या कहना चाहेंगे? जैसे सनी जी बहुत काफी फेमस है, तो और कहाँ तक जाना चाहेंगे सनी जी को, और कहाँ तक देखना चाहती हैं आप? हम तो ये देखना चाहते हैं एकदम फिल्म स्टार बन जाए। अरे तेरी की जी, आपका सपना है कि फिल्म स्टार बन जाए? अपन सब अपन जब बच्चा का मास डांस देखे ना तो हमारा आँख में आंसू भर जाला, इतना मेहनत जितना हमारे बच्चा रात दिन मेहनत कर ला, बहुत हम रोई लगे ना कि हमारे बच्चा आगे छोटे पर से मेहनत करत हुआ, आज इनकर बाप ना होने से बहुत बुझाला हमने के भले वो बहुत अच्छा सनी के नाम पर बहुत मरत रहना है कदम, सनी आर्या हमारा बेटा है, बाकी आज बाप बिना हमारे लड़का टूअर बना, बाकी बहुत बुझाला कि हम बानी न भैया अपन बच्चन के देख के हमके सब बुरा। अब चार गो लड़की बड़ छोट छोट भैया सब बाकी कुल नहीं बाहर बा, बस यही हम पापरे लोग से आप लोग से मिनती करते हैं कि हमार बच्चे आगे बढ़ जा, कि अपन भाई बहन के अपन देखभाल करस। चलिए जैसे हम लोग इस तरह से बाप का साया खत्म हो गया, लेकिन माँ ने संभाला है। आज तो माँ का दर्द सच्चाई है कि इस तरह से बयां कर दे रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा। नाच देख के भैया हमारे दिल में बहुत दर्द होला कि इतना हमारे बच्चा मेहनत करो तो ना आगे बढ़ जाता। बहुत आगे बढ़ेंगे और बहुत आगे बढ़ भी चुके हैं, आपको अब नहीं पता है। तो दोस्तों जिस तरह से आप देख रहे हैं, क्या बताएं, माँ माँ होती है, किसी की माँ हो, और माँ जिस तरह से बयां कर रही हैं पापी लोग से, भैया हम सबसे हाथ जोड़ के मिनती करते हैं कि हमारे बच्चा के आगे बढ़ाए जा, अपने माँ बाप का सबके ख्याल कर सकत भाई बहन के। अरे एकदम एकदम चुप रहिए माता जी, समझ सकते हैं पब्लिक आपको देख रही है और दे भी रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं दे रही है पब्लिक। आप देखिए पब्लिक से बड़ा कोई नहीं होता है, पब्लिक ही आप आज के डेट में सबके लिए भगवान है। सनी के लिए अगर है तो पब्लिक भगवान है, मेरे लिए चाहे किसी के लिए, पब्लिक चाहे तो जिसको बना सकती है, जिसको चाहे उसे बिगाड़ सकती है। भैया घर में बैठ के वीडियो बना रहा है, अगर ये पब्लिक ना देखती तो कौन होता है? वही पब्लिक से मिनती हम करते हैं भैया, बेशक बेशक आपके दर्द को लोग समझ सकते हैं कि जिस तरह से बाप का साया खत्म हो गया, बाप का लोग हत्यारों ने हत्या कर दिया। मैं तो कह रहा हूं कि उन हत्यारों की ऐसी सजा मिले कि उनकी रूह तक कांप जाए कि क्या होती है, और माँ एक बेटे को कैसे पाल रही है, अपने घर को कैसे चला रही है, आप लोग समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों ज्यादा हम लोग समय ना लेते हुए माता जी ने अपने विचार को रखा, आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए वीडियो के साथ। मैं हूँ जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों।